तो आज हम सीखेंगे ये वाली फोटो मैनिपुलेशन, और वो भी बिल्कुल 7 स्टेप में, मतलब कि 7 स्टेप में मैं आपको सब सिखा दूंगा। और मैं पहले बता दूं, अगर आपको ये बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबका जो फोटो मैंने यूज़ किए हुए हैं, जो भी स्टॉक है सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये थोड़ा सा फास्ट होने वाला है क्योंकि वीडियो भाई बिल्कुल 1-2 घंटे की बनी हुई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि आपको आपके सामने इतनी बड़ी वीडियो लेकर आऊँ। और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैंने कुछ सोच के रखा हुआ आपके लिए, कुछ देर रुक जाओ, सब्र करो, सब मिलेगा। इस जो मैनिपुलेशन है इसके बिल्कुल डिटेल में वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी जो मेन वीडियो है, मैंने कैसे एडिट किया इसको। सो लेट्स स्टार्ट। सो पार्ट वन में हमारा आता है कि हम अपने मॉडल को और बैकग्राउंड को आपस में मतलब मैच कराएंगे। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक एडजस्टमेंट है, ये आपको आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती तो इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी हुई है, तो जो डिस्क्रिप्शन में जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड का मैंने लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लेना। और अगर मेरी मॉडल की इमेज चाहिए तो उसके भी मैं दे दूंगा, ले सकते हो उसको भी। उसको भी आप अगर एडिट करना चाहते हो अपने कोई भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ तो कर सकते हो, फ्री है। सो अभी जो मुझे नहीं चाहिए थी फोटो में, मैं उनको इरेज कर रहा हूँ। और क्या कि जो जब मैंने गले को अपने इरेज किया ना, तो जो मेरा टी शर्ट है, टी शर्ट का जो थाई नहीं ना वो तो पोर्शन, तो वो भी इरेज हो गया। तो मैं सिंपली उसको ड्रॉ कर दिया हल्का सा डार्क कलर लेके, ताकि वो जो चीज़ थी फील हो जाए। उसके बाद मेरे को नीचे शेडो क्रिएट करनी थी, तो शेडो के ऊपर भी मैंने 1-2 वीडियो बना के रखी हुई है अच्छे से डिटेल में, कि हम शेडो कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट में बता दो कि क्या प्रॉब्लम आती है आपको अपने आपके जब भी आप शेडो क्रिएट करते हो, उसका सोल्यूशन जरूर दे देगा आपका भाई। तो अभी मैं जल्दी शेडो क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा अगर आपको शेडो देखना कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके बाद क्या करूंगा मैं, देखना अपने मॉडल की कॉपी ले लूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा, और उसको डार्क करना। डार्क करने के लिए यहाँ पे आपको एक मिल जाता है एडजस्टमेंट का, एक आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको मैं सिंपली इसकी लाइटनेस को मैं कम कर दूंगा। बट हमको बिल्कुल प्योर लाइटनेस को कम नहीं करना है, आपको एक साइड में लाइट भी चाहिए क्योंकि लाइट का सोर्स भी है यहाँ पर। तो मैं सिंपली जिसको मैंने अभी डार्क किया ना जिस लेयर को जो टॉप में है, उसको मैं एक इरेजर लेके, सॉफ्ट इरेजर लेके, उसको मैं साइड से उसको इरेज करना स्टार्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर हमारा जो स्टेप वन था, वो जो पार्ट वन था हमारा, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम हमारी जो मेन चीज़ है हम क्रिएट करना चाहते हैं कि वाटर की रिफ्लेक्शन, हमको नीचे एक वाटर को ड्रॉ करना है और उसके अंदर रिफ्लेक्शन दिखाना हो भी खुद से। तो कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक लेयर लिया, लेयर के अंदर मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने किया था एक मैंने ऑरेंज कलर लेके उसमें मैंने फिल करना स्टार्ट कर दिया था। अब ऑरेंज कलर इसलिए लिया था क्योंकि थोड़ा सा अलग चाहिए था मेरे को, बट अभी क्या था कि मेरे को शेप पसंद नहीं आई और मैंने कुछ और तरीका सोच लिया था, तो मैंने इसको मैं इसको डिलीट ही कर दिया। मैंने जो आइडिया था इसको मैंने खत्म कर दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली जो मेरी फोटो है ना, अभी जो इस समय जो मेरी फोटो बन के तैयार हुई पड़ी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो ऑरेंज वाले इसको मैं बंद कर सकता हूँ या इरेज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसको मैं बंद करके इस फोटो को सेव करूंगा। इसको सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के बाद मेरे को क्या करना है कि उसको जैसे कि वर्टिकली उसको मैंने ऑपोजिट करना, घुमाना है, ताकि रिफ्लेक्शन जैसे हमको उल्टी आती है, जो रिफ्लेक्शन जो होती है उल्टी होती है हमसे, तो उसको मैंने उस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ट्रांसफर में जाके और जो चौथा जो ऑप्शन उसको टैप करोगे तो उल्टा हो जाएगा। देख सकते हो अभी कैसे हो चुका हुआ है। अब इसको मेरे को इसको ट्रांसफर करके इसको नीचे की तरफ लेकर आना है, ताकि वो पैरों के पास आ सके वो। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले ओपेसिटी कम कर लूँगा, उसके बाद अपने पैरों के साथ पैरों को मिलाना है, ताकि अगर पानी वहाँ पर हो तो जैसे रिफ्लेक्शन बनेगी ना, उस टाइप की रिफ्लेक्शन बन सके। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली से वहाँ पर उसको लेकर आऊँगा, और मैंने क्या किया, एक ऑरेंज कलर लेके हल्का सा मैंने एक वाटर ड्रॉ कर दिया, जिस किसी भी रंग में कर सकते हो कोई भी, मतलब किसी में बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तो किसी भी रंग में करने के बाद क्या करना, बस एक मार्जिन है यहाँ पे, एक लाइन लगाइए कि इसके अंदर इरेज नहीं करना, जो बाकी की इमेज है ना, जो आपकी जो रैग जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हमको क्या करना, इरेज कर देना। सॉफ्ट इरेजर ब्रश ले सकते हो या हार्ड भी ले सकते हो, कोई भी ले लो। उसको इरेज करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से अब मैं जो लाइन वाली थी ना, लाइन को मैंने इरेज कर दिया था। अब उसके बाद मैंने एक हल्का सा ब्लूइश टिंट वाइट था, उसमें हल्का सा ब्लू टिंट दे दिया। ब्लू टिंट देने के बाद उस कलर को उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन उससे क्रिएट करना स्टार्ट किया, जैसे कि वाटर में आती है ना, जैसे वेव्स बनती हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन होती है ना वाटर की, जैसे कि यार तिरंगे बनी रहती हैं ना, उसमें वेव बनी होती हैं, उसको मैंने बनाने की कोशिश किया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था, जो मेरी इमेज थी ना जिसको मैंने उल्टा किया था, उसकी जो लाइटनेस है उसको मैं हल्का सा कम कर दूंगा, क्योंकि हल्का रात का समय भी है और हल्का सा आपके जो नेचर है ना, नेचर से हल्का सा डाउन उसका टोन होता है, इसीलिए।
उसके बाद मैंने क्या किया, जो जब मैंने डाउन किया ना तो जब मेरी गलतियाँ दिखी वहाँ पर, मैंने जो भी इरेज करना था एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने उसको इरेज कर दिया। अभी क्या करना था मेरे को, इसको थोड़ा सा अब देख सकते हो लुक कैसा बन चुका है। इसमें मैंने स्मज ब्रश टूल होता है ना उसका यूज़ किया था, बहुत अच्छा इफेक्ट आया था। आप भी जरूर करना अगर आप ऐसे इफेक्ट ट्राई करोगे तो। तो उसके लिए करना कि आपको ब्रश वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से स्मज वाला ब्रश आपको सिलेक्ट कर लेना है, और कि ओपेसिटी को हमेशा जो फ्लो है ना इसको 1% पे कर देना है। उसके बाद अपने जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है ना, आपके जो लैग है या जो भी रिफ्लेक्शन पड़ रही हो या आपने जो भी वाटर रिफ्लेक्शन दिया है उसके ऊपर इस ब्रश को अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट बन जाएगा। एक मतलब कि वाटर रिफ्लेक्शन वाली रियल वाली फीलिंग देगा, आप करके देखोगे आपको खुद पता लगेगा रिजल्ट। सो अब बारी आती है हमारे स्टेप 3 की। तो इसमें हमने क्या करना है, फ्लावर्स को लगाना है। तो फ्लावर्स मैंने तीन तरह के मैंने फ्लावर लिए थे। अभी फ्लावर क्या था कि मेरे को ऐसा दिखाना था कॉन्सेप्ट में कि मतलब कि जो एक पर्सन है वो बाहर से अब्यूसिव लाइक मतलब कि अब्यूसिव समझते हो ना, एक्सप्लिट कंटेंट है बट अंदर से फूल की तरह है। तो मैंने अलग अलग फ्लावर लिए थे, फ्लावर को अपने मुंह पे लगा दिया और कुछ मैंने ड्रॉ भी करने थे। मेरे को लटाई होती है ना जो उनकी क्या बोलते हैं उनको, जो भी होती हैं उनको मैंने ड्रॉ भी किया था थोड़ा सा शेडो वगैरह लाइट वगैरह देकर, और मैंने अपने हाथ में हल्का एक छोटा सा फूल लगाया हुआ था। तो इन सब की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, PNG फॉर्म में है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो फ्री टू यूज़ मतलब कि फ्री टू कुछ भी यूज़ कर सकते हो जैसे मर्जी तो यूज़ कर लेना आराम से। तो ये मेरा फ्लावर का काम खत्म हुआ था। मेरे को एक फ्लावर गिरते हुए दिखाना था तो मैंने सिंपली वहीं से उठाया और नीचे लगा दिया, उसकी मैंने जो ब्राइटनेस थी उसको कम कर दिया। सिंपल से वो चीज़ हो गया कि फूल गिर रहा है कहीं भी से लटाओं से टूट के गिर रहा है, लटाएँ बोलते हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, पता नहीं देख बता देना मुझे। तो इतना करने के बाद अभी मेरे को क्या करना था, काम फ्लावर का काम हो गया। अब मेरा काम था जो हमारा पार्ट कितना हो गया, फोर्थ वाला काम करेंगे ना अब हम, हाँ तो हमारा फोर्थ वाला आ गया अब काम। तो अभी मेरे को कहना था पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, हमारे टी शर्ट पे एक लोगो लगाना था एक्सप्लिट कंटेंट वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को स्पेसिफिक पार्ट को HD में करके देख लेना, अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने क्या किया, सिंपली से कलर टूल लेके कलर ब्रश लेके अपने अब जो पेंट था ना मेरे टी शर्ट का उसको मैंने कर दिया सिंपल से। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि लोगो डाउनलोड किया था गूगल से, तो गूगल से सिंपली मैंने सर्च किया था एक्सप्लिट कंटेंट बैनर लोगो ऐसा कुछ करके, PNG फॉर्म में मेरे को नहीं मिला। तो PNG फॉर्म में नहीं मिला तो मिल गया था। उसके बाद मैंने क्रॉप किया था तो आप देख सकते हो मेरे से हल्के से रह गई हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, अपने टी शर्ट पर लगाया और इसको मैंने सोचा था कि इसका ब्लेंड मोड छेड़छाड़ मतलब कि चेंज कर दूंगा तो काम बन जाएगा, बट नहीं हुआ। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिंपली ट्रांसपेरेंटली सेव कर दिया और मैंने क्या किया अपने जो पिक्से प्रो होता है ना, पिक्से प्रो में इसको ओपन किया। तो पिक्से प्रो में ओपन करने के बाद मैंने क्या किया था, इसको इन्वर्ट कर दिया था। तो ये रहा मेरा लोगो, और इस लोगो को लेकर मैं इसको वहाँ पर से डन करता हूँ। और पहले मैंने एक नीचे से अपनी इमेज ले ली थी ताकि इसको मैं सही तरीके से रख सकूँ ना अपने जगह पे। तो इन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सिंपली से यहाँ पे से मैं इसको रिप्लेस करना कर सकते हो जहाँ भी आपको रखना, डन कर दूंगा और इफेक्ट में जाऊँगा। और यहाँ से देख सकते हो ये इन्वर्ट का ऑप्शन है चौथा नंबर पे जो आपको इन्वर्ट मिलता है। इन्वर्ट करने से क्या होगा, जो आपका ब्लैक होगा वाइट हो जाएगा, वाइट होगा जो ब्लैक हो जाएगा, सिंपल से नेगेटिव वाला काम हो जाता है जो ना, सेम वही चीज़ हो जाता है इसमें। तो उसको करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपली मैं यहाँ पे एक आपको ब्रश टूल में आपको मिलता है एक वॉप टूल मिलता है, तो सिंपली आप ब्रश अप्लाई करके आप किसी चीज़ को वॉप कर सकते हो। वॉप मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो। अब स्लाइम नहीं होती हैं जो आप छोटे बच्चे खेलते हैं, सेम वही चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इस सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा देता है, ट्राई करना कभी भी आराम से, जब विल लोगे तब। तो अभी क्या किया मैंने, जैसे मैंने टी शर्ट थी ना जैसे उस शेप में मैंने इसको वॉर्प कर दिया और सिंपली से दोबारा से इसको आया, इसको मैंने जो मेरा लोगो था ना एक मैंने रेक्टेंगल ब्रश वाला या जो कह सकते हो डब्बे वाला बॉक्स वाला ब्रश लिया और अपने जो भी मेरा जो लोगो था बस मैंने उसको ही सिलेक्ट किया। और थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट हाँ ज़्यादा अंदर मत काट देना इसको। उसके बाद मैंने इसको मेक ट्रांसपेरेंट करके इसको मैंने इसकी PNG बना ली दोबारा से, अब वॉर्प वाली PNG बनी हुई है। तो मैंने इसको एक्सपोर्ट करके इसको मैंने सेव कर दिया। अब दोबारा से मैं अपना ऑटोडेस्क ओपन करूंगा, तो ऑटोडेस्क मैंने ओपन किया, ऑटोडेस्क में सिंपली मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। तो अभी देखना मेन काम अभी बाकी है, देखना क्या करूंगा मैं
जब इसको एक्सपोर्ट करूंगा, सॉरी इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे अपने अपने लोगों को, और उसको मैं क्या करूँगा ब्लेंड मोड को छेड़ करके मैं स्क्रीन कर दूंगा, तो क्या होगा जो ब्लैक होगा वो गायब हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा जो टी शर्ट है खुद ही ब्लैक है ना, तो मेरे को चीज़ चाहिए ही नहीं। तो अभी क्या करना, अभी भी मेरे को फेक लग रहा है वर्ब के बाद भी, तो अभी मैं क्या करूँगा सिंपली से ब्लैक कलर को अप्लाई करूँगा और इसमें शेडोज क्रिएट करूँगा। अभी शेडो से अब लगेगा कि हाँ भाई इसमें कि एक वर्ब का मतलब कि एक टी शर्ट पर ही एक लोगो था, अब लगेगा जाके। तो ये चीज़ को मतलब अभी जब फाइनल बन जाएगा तब देखना, और कहीं से आपको इरेज भी करने पड़ेगा तो आप वहाँ से इरेज कर देना, अगर आप यूज़ कर रहे हो आप ये लोगो लगा रहे हो कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में लगा रहे हो तो इसका यूज़ जरूर से कर लेना। तो ये लो जी हमारा टी शर्ट बनके तैयार हो गया, और ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक सा बना हुआ है लोगो, और हल्का सा कहीं से इरेज कर्फी में इरेज कर देना हल्का सा, वो लगेगा कि ना जैसे कि आपका लोगो अंदर की तरफ जाके फिर से बाहर की तरफ आ रहा है, बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये चीज़ ट्राई करना, और एक ट्रिक कैसे लगी आपको मुझे कमेंट में बता देना, और उसकी एक लाइक तो बनता है यार कर देना, पसीने में बना रहा हूँ वीडियो, पसीना पसीना हुआ पड़ा हूँ मैं। उसके बाद मैं सिंपल से अब हमारा आता है फिफ्थ स्टेप, पांचवें स्टेप में हमको क्या करना है, हमें अपने रिंगलेट को क्रिएट करना है। तो रिंगलेट को क्रिएट करना बहुत ही आसान है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई है एग्जैक्टली बोलूँ तो मैंने क्या करना सिंपली अपने जो मॉडल थी ना इसको लॉक करके, डुप्लीकेट जरूरी है, डुप्लीकेट नहीं लोगे तो काम नहीं बनेगा भाई। तो मैंने क्या किया अपने आपको डुप्लीकेट लेकर लॉक करके उसमें एक ना अलग सा ही रंग भर दिया, छपरियों वाला, छपरी वाला तो नहीं बोल सकते बट हाँ अच्छा सा रंग भर दिया। अब इसको मैंने सिलेक्ट वाले में जाऊंगा और यहाँ से एक वाइट क्या है इसका नाम जो भी देख सकते हो तीसरा वाला है, पता नहीं क्या बोलते हैं मैजिक वैंड बोलते हैं शायद इसको, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे टैप करूंगा ना ऑरेंज कलर पे, इसे मेरे को ही सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैं उसको उसकी आई को ऑफ कर दूंगा, अब मैं एक लेयर ले लूंगा अलग से, अब मैं जहाँ कहीं कुछ भी अप्लाई करूंगा ना तो बस इस सिलेक्शन के अंदर ही अप्लाई होगा, बाहर कहीं नहीं अप्लाई होगा। तो सिंपली मैं इसको लूंगा और बाहर से जो भी एनवायरमेंट में कलर है ना लाइट का उस कलर को लूंगा, हल्का सा डार्क करूंगा, दो लेयर लूंगा, एक ऐड का और एक ओवरले का। तो ओवरले वाले में मारूं पहले मैं इसको अप्लाई करूंगा ब्रश को, उसके बाद मैं ऐड वाले में मैं क्या करूंगा जो एज में मैंने ऐड रखा है या लीनियर डॉज बोलते हैं जिसको, उसकी ओपेसिटी मैं हल्की सी कम रखूंगा और लीनियर की सॉरी ओवरले की ज्यादा रखूंगा। तो आई होप आपको रिंग लाइट का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। सो अब बारी है हमारे सिक्स स्टेप की। तो सिक्स स्टेप में क्या है, मैं एक स्मोक की पीएनजी लेकर आऊंगा, अब इस पीएनजी को मैं हल्का सा ट्रांसफर वगैरह करूंगा और इसको डुप्लीकेट बनाऊंगा। तो इसके ब्लेंड मोड को आप स्क्रीन रखना, स्क्रीन और लाइटन मस्त हैं, तो इनको रखने की बाकी रखोगे ऐड रखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्लोई सा हो जाएगा, मजे नहीं आएंगे। तभी क्या करना आपको जो भी उसके एजेस है ना उसको इरेज कर देना है और उसको डुप्लीकेट करके आपको अच्छे से कोई भी शेप दे सकते हो। ये खासियत होती है कि एक जो पीएनजी होती है जो स्मोक की, आप उसको डुप्लीकेट करके कोई भी शेप दे सकते हो अलग अलग उसको रिप्लेस कर करके। तो मैं क्या करूँगा एक अपने मॉडल के पीछे की तरफ लगाऊंगा और जो भी एक सॉलिड सा बने ना उसको सभी जो भी लेयर है उसको मर्ज करके और एक उसका डुप्लीकेट कर दूंगा, फिर उसको टॉप में लेकर आऊंगा। तो अभी क्या होगा कि जो मेरा मॉडल है ये दो स्मोक के बीचों बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा जो ऊपर वाला है ना उसकी हल्की सी मैं ओपेसिटी को कम कर दूंगा, क्योंकि वो कैमरे के काफी नजदीक है तो उस मतलब की विजिबिलिटी कम हो जाएगी हमारे मॉडल की, मतलब ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम सर्दियों में चलते नहीं तो धुंधगिरी होती है, तो हमको जो नजदीक चीजें होती हैं ज्यादा अच्छे से दिखती है ना, तो सेम वही चीज है। तो अभी क्या करूंगा स्टिक कम करके और हल्के से अपने मॉडल से इरेज भी कर दूंगा ताकि जो हमारा मॉडल है अच्छे से दिख सके, और वैसे भी यार ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो मॉडल दिखना ही चाहिए, क्योंकि उनको दिखाना ही वही है ना। तो भैया क्या करोगे अब इसको इरेज ही, मतलब इसको धूप धूप तो धुंध में स्मोक में छुपा ही दोगे तो क्या ही जाएगा ना। तो वो लोग मैंने इसको सिंपली से इरेज कर दिया जो धुआं था, अब हमारा जो हमारा स्मोक वाला पोर्शन था वो भी खत्म हो गया हमारा। तो अभी देखो मैं रेस कर लेता हूँ अपने मॉडल से, ये अगर आपका फेस भी होगा ना तो अभी क्या करना आपको अपने फेस से रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप धुएं में आ जाएगा आपका मुंह यार तो मजे ही कहाँ पर आ रहे हैं ना लोगों को। तो वो लोग हमारा काम खत्म हो गया, अब हमारा ऑटोडेस्क का काम खत्म हो गया, अब हमारा सेवन स्टेप था। तो मैंने क्या किया सिंपल इसको अपने जो भी मैंने लाइट रूम में ओपन किया और उसमें थोड़े से एडजस्टमेंट किए, मैंने सैचुरेटेड रखने की कोशिश की थी, फिर बाद में जब फील आया कि मैं इसको डार्क रखता तो ज़्यादा अच्छा लगता बट मैंने सैचुरेटेड रखा था तो मैंने आपको सैचुरेटेड ही दिखा रहा हूँ। तो सैचुरेशन बढ़ा के मैंने इसको सिंपली से सेव कर दिया और थोड़ी सी कलर करेक्शन की थी मैंने। तो अभी मैंने को क्या करना है इसमें एक ब्लर पीएनजी ऐड करनी है अपने लातों के पास और एक लोगो भी ऐड करना है एक्सप्लिसिट वाला। तो अभी मेरे को क्या करना है इंसर्ट इमेज करूँगा, फिर से वो फूल वाली पीएनजी लेकर आऊँगा और इसमें से एक जो क्या बोलते हैं उसको पंखुड़ी
पंखुड़ी, एक जो पोर्शन होता है ना जो फूल का, एक उसको उखाड़ लूंगा, मतलब कि इरेज कर दूंगा और उसको आगे की तरफ रखूंगा। और क्या करूंगा, सिंपली से यहाँ पे ना अपने होते हैं ब्रश टूल, ब्रश टूल लेके और उसको हल्का सा मैं उसके मतलब फैदर ज़्यादा करके फिर उसको ऊपर अप्लाई करूंगा और इसमें ब्लर वाला इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद एक और मैं लोगो लूंगा एक्सप्लिसिट वाला, और उसको कोने में लगाकर उसके ब्लेंड मोड को मैं ऐड कर दूंगा, तो बहुत ही गजब लुक आ जाएगी। आप कुछ भी रख सकते हो, जरूर नहीं कि आप यही कौन सा बनाऊँ, मेरे को बस आपको ट्रिकें बतानी थी थोड़ी सी, वो हो गया। अगर आपको डिटेल में इस ट्रिक को सीखना है तो सब्र करो, सब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और Q&A की भाई मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बता दो कि क्या मतलब कि Q&A में क्या ही पूछना चाह रहे हो ना मुझसे, तो मैं बता सकूँ। तो आज के लिए बाय बाय।